जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। स्क्रीन पर आपको एक फोटो नजर आ रहा होगा। इस शख्स का नाम है सुधीर चौधरी। गोदी मीडिया का पत्रकार है, सत्ता की गुलामी करता है, सत्ता के लोगों के तलवे चाटता है और अपने चैनलों पर सिर्फ अपने जो इसका शो आता है ब्लैक एंड वाइट, उसमें सिर्फ और सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता है। कोई अहम जो मुद्दा चल रहा हो, जनता के अहम मुद्दे, अगर पत्रकार कोई होता है तो उसे अहम मुद्दे उठाना चाहिए, जनता के सरकार से सवाल पूछने चाहिए। पर ये गोदी मीडिया का पत्रकार है, ये जनता का पत्रकार है ही नहीं। मैंने अपने YouTube चैनल के पोस्टर में लिखा हुआ है कि मैं आपका पत्रकार हूं, जनता का पत्रकार हूं, गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं हूं। दोस्तों, ये सुधीर चौधरी सत्ता का पत्रकार है, जनता का पत्रकार नहीं है। इसने अभी दो तीन दिन पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट सरकार के ऊपर फेक न्यूज़ चलाई अपने ब्लैक एंड वाइट शो में। दरअसल ऐसा हुआ, इसने कर्नाटक की एक स्कीम को लेकर, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बताया था कि इस पर FIR दर्ज हो गई है बेंगलुरु के अंदर, तो इसने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की एक स्कीम पर फेक न्यूज़ चलाई। वो स्कीम कहती है कि अगर कोई माइनॉरिटीज़ या फिर SC ST टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेते हैं तो माइनॉरिटीज़ को 50% का डिस्काउंट मिलेगा, वहीं SC और ST को 75% का मिलेगा। पर ये अपने शो में चलाता है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कीम निकाली है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए निकाली है, हिंदुओं के लिए नहीं निकाली है। जबकि SC और ST हिंदू होते हैं, और ये शायद मानता ही नहीं है कि SC और ST हिंदू होते हैं। तो इसने उस अपने चैनल पर कहा कि मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ के लिए सिर्फ वो स्कीम है, हिंदुओं को क्यों नहीं रखा गया। इसी को लेकर दोस्तों कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर सुधीर चौधरी के ऊपर FIR दर्ज हो गई थी। अब कर्नाटक की हाई कोर्ट ये गया क्योंकि इसे डर है कि इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब गिरफ्तारी के डर से तो ये भागेगा ही, हाई कोर्ट ही एक रास्ता है इसके पास। इनने याचिका डाली और कहा कि मेरे ऊपर गलत केस दर्ज किया गया है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट की एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी आई है, सुधीर चौधरी को सीधा झटका लगा है। देखिए स्क्रीन पर, कर्नाटक हाई कोर्ट से सुधीर चौधरी को झटका। जज बोले केस वाजिब, लगता है जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने मान लिया है कि जो केस कर्नाटक के बेंगलुरु में सुधीर चौधरी के ऊपर दर्ज हुआ है वो वाजिब है और इसकी जाँच होनी चाहिए। अब सुधीर चौधरी आपको छुपकता हुआ मिलेगा, सुधीर चौधरी शायद सरकार से के और तलवे चाटता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसे सरकार ही बचा सकती है, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ही बचा सकती है। अगर कर्नाटक की पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई तो सरकार के तलवे चाटने का इसको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको बचा सकती है। पर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि केस वाजिब है, जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी होगी क्या होगा, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे बचा पाएगी, कर्नाटक की पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाएगी, आने वाला टाइम बताएगा। पर दोस्तों आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।